और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि उत्तराखंड के निचले इलाकों में अब भी हाई अलर्ट है। ऋषिकेश में पुलिस ने गंगा घाटों को खाली करा दिया है एहतियातन। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद से ही प्रशासन यहां पर सतर्क है। उत्तराखंड में करीब 202 लोग लापता हैं, ये डीजीपी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। कल के हादसे के बाद से 18 शवों को बरामद किया जा चुका है, डीजीपी ने ये जानकारी दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और यहां 18 शवों को बरामद कर लिया गया, लेकिन 202 लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं और उन्हें ढूंढने के लिए लगातार यहां पर जो रेस्क्यू टीम अलग अलग जुटी हुई है वो पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। एक बार का वन टाइम हादसा था ये, जो ग्लेशियर टूटा उसके साथ पूरा पहाड़ टूटा, बोल्डर्स आए, मलबा आया और वो उसने जो रैनी प्रोजेक्ट था, रैनी पावर प्रोजेक्ट, उसको पूरा बहा दिया और डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर आगे तपोवन था उस पर बड़ा इम्पैक्ट किया। पूरा तो नहीं टूटा, पूरा नहीं बहा, तो ये दो जगह इसका मेजर डैमेज हुआ है। हम आपको उत्तराखंड में आई तबाही के निशान दिखा रहे हैं, दो तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि तबाही कितनी बड़ी है। टनल के बाहर राहत कार्य को तेजी से चलाया जा रहा है, टनल के अंदर जवान हर जान को बचाने के लिए जुटे हुए हैं, हर मुमकिन कोशिश कि जो अंदर फंसे हैं उन्हें सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए। टनल के बाहर भी काम और टनल के अंदर भी उतनी ही तेजी से एक एक जान को बचाने की कोशिश यहां पर रेस्क्यू टीम के जरिए की जा रही है। राहत मिशन अलग अलग जगहों पर, लेकिन ये उस टनल की तस्वीरें हैं। दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि कितना युद्ध स्तर पर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरीके से लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस उम्मीद के साथ कि जो भी अंदर है उसे जल्द से जल्द उस तक पहुंचा जाए और उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन चुनौतियां कई हैं। बात करने के लिए मेरे साथ यहां पर एनडीआरएफ के पूर्व डीजी नवीन कुमार भटनागर जी हमारे साथ हैं। नवीन जी, आपको क्या लग रहा है, तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे लगातार, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती अभी है यहां पर रेस्क्यू टीम के सामने? अभी 2-3 चुनौती है। वैसे तो मौसम कोऑपरेट कर रहा है, अगर मौसम बिगड़ गया तो फिर रेस्क्यू में दिक्कत आएगी, अदरवाइज अभी ठीक है और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है और काफ़ी हमारे जवान लोग लगे हुए हैं और स्पेशली इस पर एनडीआरएफ के जवान जो है विद इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास सारे टनल के रेस्क्यू और आपके इस प्रकार के जो रेस्क्यूज हैं उसमें रिच एक्सपीरियंस है और वो लगे हुए हैं, स्पेशली ITBP के जवान और स्टेट डिजास्टर फोर्स के जवान और एनडीआरएफ के। ये ज्वाइंट ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें लॉस कम होगा और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इसको कर सके और अच्छा एरिया क्लीन कर सके, स्पेशली जो वेंट एरिया है जी, खासतौर से एयर चाहिए अभी इसमें, हवा की जो अंदर आदमी फंसे हुए हैं उनको हवा जानी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि 72 आवर्स तक बगैर खाए पिए अंदर आदमी रहता है, लेकिन यहाँ सिचुएशन दूसरी है, यहाँ पर हाइपोथर्मिया हो सकता है क्योंकि बर्फीला पानी है, हवा की क्वांटिटी कम है, खाना पीना मिल नहीं रहा है, पानी बेहद ठंडा है, तो हाइपोथर्मिया होने से कैजुअलिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा है। हमारे पास वैसे वहाँ स्पॉट पर जो है फर्स्ट एड का काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, लेकिन अगर हम उनको निकालने में सक्सेसफुल हो गए तो लाइफ बचाने में भी हम लोग सक्सेस होंगे। बिल्कुल सर, जिन तमाम बातों का जिक्र आप कर रहे हैं यही वो चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी युद्ध स्तर पर यहां कोशिश हो रही है कि एक एक जान को बचाया जा सके जो भी लोग फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपको ये दो तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि राहत मिशन में किस तरह से तेजी लाई जा रही है, टनल के बाहर भी काम हो रहा है और टनल के अंदर भी, ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो इंतजार इन जवानों का कर रहे हैं, रेस्क्यू टीम का कर रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.